आज की आधुनिक दुनिया में सभी अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त हैं। सभी को आगे निकलने की होड़ लगी है, किसी को किसी की परवाह नहीं। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए न्योछावर करने का प्रण ले लिया है। ये नर सेवा को ही नारायण सेवा समझते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत हैं कुरुक्षेत्र के गांव दबखेड़ी में रहने वाले परगट सिंह। मैं पिछले 17-18 साल तो लगातार अपनी नहरां देते जो ये नहर तो आपा देख, मैं जिस नहर से लाशें निकाला हूं वो पंजाब से अंबाला कुरुक्षेत्र होते हुए दिल्ली जा रही है। मैं इस नहर के आसपास पशु चराता हूं। करीब 16-17 साल से परमात्मा ने मुझे जो मुझे सेवा दी है उनके मुताबिक मैं जन सेवा करता हूं। 16-17 साल में मैंने करीब 1665 लोगों को जिंदा इस नहर से निकालकर उनके परिजनों को सौंपा है। हरियाणा में हर साल सैकड़ों लोग नहरों में डूबकर अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ नहर में नहाते समय बह जाते हैं, कुछ लाशें संदिग्ध परिस्थितियों में बहती मिलती हैं। परगट सिंह ऐसे ही अनजान शवों को गहरी नहरों से निकालते हैं। परगट सिंह अब तक 11,832 लोगों के शवों को नहर से बाहर निकाल चुके हैं। पानी में गले सड़े जिन शवों को कोई देखने से भी कतराते हैं, उन्हें परगट सिंह निकाल कर खुद अपने खर्चे पर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाते हैं। परगट सिंह सिर्फ शवों को ही बाहर नहीं निकालते, वो नहर में डूब रहे लोगों को जिंदा भी बचाते हैं। परगट सिंह अब तक 1665 से ज्यादा लोगों को दूसरी जिंदगी दे चुके हैं। गर्मियों के विच अक्सर बच्चे नहाते ने, शराब पी के नहाते ने या शराब का नज़ारा लेंदे लेंदे डूब जाते ने। गर्मियों में बच्चे यहाँ नहाने आते हैं, कोई शराब के नशे में यहाँ आता है। कुछ लोग घर से लड़ झगड़ कर नहर में छलांग लगा देते हैं। अगर मैं मौके पर मौजूद होता हूँ तो उन लोगों को जिंदा नहर से निकालकर उनके परिजनों को सौंप देता हूँ। परगट सिंह की महानता बस इतनी भर नहीं है। जिस क्षेत्र में परगट सिंह रहते हैं वहाँ बारिश के दिनों में SYL और भाखड़ा नहर से बाढ़ आ जाती है। इन दिनों खूंखार मगरमच्छ भी पानी के साथ रिहायशी क्षेत्रों में आ जाते हैं। परगट सिंह अब तक आधा दर्जन से ज्यादा मगरमच्छों को पकड़कर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र में भिजवा चुके हैं। और इन सेवा दे नाल असी जो पिछले लंबे समय तो जो साडे हरियाणा दे कई बार नहर में मगरमच्छ भी आ जाते हैं जो लोगों के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकते हैं। वो कई डेड बॉडी भी खा चुके हैं, किसानों को मगरमच्छ तंग भी करते हैं। ऐसे में वो 9 जिंदा मगरमच्छ को पकड़कर प्रशासन के हवाले कर चुके हैं। परगट सिंह को ये महान काम करने की जो प्रेरणा मिली उसकी कहानी भी काफी रोचक है। जब परगट सिंह छोटे थे तो उनके दादा की मौत पानी में डूबने की वजह से हो गई थी। तभी छोटे परगट सिंह ने ठान लिया था कि वो ऐसे डूबते लोगों का सहारा बनेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि परगट सिंह ये काम निःशुल्क करते हैं। पिछले 18 सालों में परगट सिंह ने किसी से एक रुपए भी नहीं लिए, बल्कि खुद उनकी मदद करते हैं। कभी किसी परिवार से ना पैसे लिया है और ना ही कभी लेना है। जो भी हेल्प होती है खुद से करता हूँ। जो भी जितनी भी सेवा हो सकती है वो मैं करता हूँ। मुश्किल वक्त में फंसे लोगों के लिए परगट सिंह सच में किसी अवतार से कम नहीं हैं। स्थानीय प्रशासन भी परगट सिंह की काफी इज्जत करता है। वहीं इस मानवीय कार्य के लिए परगट सिंह पुलिस और कई सामाजिक संस्थाओं से सैकड़ों बार सम्मानित हो चुके हैं। गोताखोर है तो कोई भी नाल से कोई डेड बॉडी निकालने का काम होता है तो हमेशा हमारी सहायता वो करता है। तो वो निःशुल्क ट्रेन भी कर रहा है बच्चों को गोताखोरी के लिए। उसकी खुद की भी लड़कियां हैं, उनको भी ट्रेन करता है। तो उसको कई बार सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया गया है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर जब गीता जयंती का आयोजन किया जाता है तो वहाँ रेस्क्यू टीम के लिए परगट सिंह को याद किया जाता है। परगट सिंह को कुछ समय पहले सरकार ने ब्रह्म सरोवर पर गोताखोर की नौकरी दी थी, लेकिन लगभग 4 महीने बाद ही उन्हें नौकरी से हटा दिया गया और सैलरी तक नहीं दी गई। ईटीवी ने जब परगट सिंह की नौकरी के बारे में कुरुक्षेत्र SP से पूछा तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया
किस बारे में वो कुछ नहीं कह सकती हैं। प्रगट सिंह ने हालांकि आज तक नौकरी या किसी मदद की लालच में ये काम नहीं किया, वो इसे परमात्मा का कार्य समझते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि प्रगट सिंह के महान कार्य के बदले क्या समाज और प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। चौबीसों घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।